अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग। अच्छा यार, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे मेज़ान मंथली सेवर अकाउंट या फिर मेज़ान रुपी सेविंग अकाउंट या मेज़ान बचत अकाउंट। बेसिकली ये नाम है इसके, मेज़ान के जो अकाउंट्स हैं सेविंग्स जो आपको मंथली बेसिस के ऊपर प्रॉफिट दे रहे होते हैं। अच्छा यार, प्रॉफिट मैं पहले साफ बात कर दूँ इसके बारे में कि यार इनका प्रॉफिट रेट कोई बहुत ज़्यादा नहीं है इन कंपेरिजन टू अदर बैंक जो हम लोग अभी तक देखते आए हैं। हमें HBL ने काफ़ी अच्छा प्रॉफिट रेट दिया है, हमें अल हबीब जो है वो काफ़ी अच्छा रेट दे रहा है। इसके बाद हम लोग मेज़ान की बात कर रहे हैं, तो 2024 की अगर हम बात करें जून के अंदर, मेज़ान का प्रॉफिट रेट कोई बहुत ज़्यादा खास नहीं लगा मुझे, क्योंकि वो हमें 20% दे रहा है, ये हमें 11% दे रहा है। इसका मतलब अगर आप 1,00,000 रुपये रखते हो तो उसके ऊपर अगर प्रॉफिट जो टोटल मिलेगा वो आपको 20% या 22,000 रुपये मिलेगा, साल के एंड में यहाँ पर आपको 12,000 रुपये मिलेगा। कोई बहुत ज़्यादा फ़ायदा नहीं है इसके अंदर, मतलब आधा 50% कम है, तो मुझे तो कोई अच्छा नहीं लगा। बहरहाल इसके बारे में आगे एक्सप्लेन करते हैं। ये एक जो चीज़ इसके अंदर आपको बता दूँ, मेज़ान जो आपको बोलता है वो ये कि ये इस्लामिक है, शरिया कंप्लाइंट है, तो ये आपको सेविंग मतलब यानी कि आपको प्रॉफिट रेट वगैरह ये जो भी आपको प्रॉफिट दे रहे हैं डैट इज़ इस्लामिक, ठीक है। तो ये एक चीज़ है उन लोगों के लिए जो इस्लामिक बैंकिंग के अंदर सिर्फ प्रॉफिट अर्न करना चाहते हैं, तो उन लोगों के लिए ये एक काफ़ी अच्छी चीज़ है। अच्छा, आप इसको अगर लेके चलें आगे तो मैं आपको पहले दिखा दूँ कि भाई हम लोगों ने कौन सा वाला इसके अंदर निकाला। भाई ये हमारे पास इस वक्त है रुपी सेविंग अकाउंट, ठीक है। मेज़ान का रुपी सेविंग अकाउंट हमारे पास है और इसके ऊपर वही सारी चीज़ें आपको मिल रही हैं यार। आप मिनिमम इन्वेस्टमेंट 100 रुपीज़ से कर सकते हो, बाकी ऑनलाइन बैंकिंग वगैरह सब कुछ आपको मिल रहा है इसके ऊपर, ठीक है। ये सब के अलावा आपके पास प्रॉफिट रेशियो जो है वो इस तरीके से होता है कि आपको बैंक आधा 50% देता है इसके अंदर, और डिपॉजिटर जो है वो रबुल माल के अंदर से अर्न करते हैं 50% प्रॉफिट। तो डैट इज़ हाउ सेविंग्स अकाउंट वर्क, ठीक है। मगर एक जो इसमें ऑब्वियसली मुझे मुझे थोड़ा इसके ऊपर कंसर्न अपना होता है, क्योंकि यार प्रॉफिट रेट जब आप दे रहे हो ना, तो आप इसमें फिर इस्लामिक बैंकिंग के अंदर कभी भी प्रॉफिट आपका डिजिग्नेटेड नहीं होता, जबकि अंदर यहाँ पे डाला हुआ है कि यार 11% ये देगा, 11.01% इस्लामिक बैंकिंग के हिसाब से, जो कि मैं नहीं समझता सही है। तो मैं इसको कन्वेंशनल बैंकिंग के अंदर ही कंसिडर करता हूँ, और कन्वेंशनल बैंकिंग के हिसाब से अगर मैं देखूँ इसको, तो 20% के कंपेरिजन में 11% मुझे बहुत ही कम लग रहा है, ठीक है। प्रॉफिट रेट्स के ऊपर आ जाते हैं, ओवरऑल जो बैंक किया हमें दे रहा है, थोड़ा जूम इन कर लूँ ताकि आप लोगों को नज़र आ जाए। अच्छा, हमारे पास है, ठीक है, बचत अकाउंट जिसका मैंने आपको बताया 14% ही हमें दे रहा है, और अगर 5 लाख से ऊपर है तो कोई आपका 12% से भी कम हो जाता है, तो इसका कोई फ़ायदा नहीं है। फिर आपके पास किड्स और टीन का सेविंग अकाउंट है, ये 16% आपको देता है, ये अच्छा अकाउंट है। फिर आपके पास आसान सेविंग अकाउंट है, ठीक है, मेज़ान आसान सेविंग अकाउंट है, ये आपको 18% तक दे रहा है। ये एक अच्छा अकाउंट आपको है अगर आप इसके अंदर रखना चाह रहे हो, मगर मुझे मैं एक दफ़ा इसको चेक भी कर लेता हूँ कि यार ये हमें मंथली दे रहा है या हमें ये ईयरली के ऊपर दे रहा है, ताकि हमें आइडिया हो जाए। अच्छा, ये मैंने आसान सेविंग अकाउंट भी खोल लिया है, तो यार ये अच्छी बात है कि 18% आपको दे रहा है और ये आपको दे रहा है मंथली बेस के ऊपर। अगेन ये फिर भी कम है जो हम पहले देखते आए हैं। हम 18 को ज़रा कैलकुलेट कर लेते हैं, वही जो मैं आपको बता रहा था कंपाउंड इंटरेस्ट के हिसाब से। तो इस वक्त हमारे पास लेट से 1,00,000 रुपये हम लोग इसके अंदर रखते हैं, ठीक है। मंथली कंट्रीब्यूशन कुछ नहीं रखे गए इसके अंदर, एस्टिमेटेड इंटरेस्ट रेट 18.17 बताया है इसने हमें, ठीक है। मंथली इसने बोला है कि हमें ये मिलेगा। अब हम चेक कर लेते हैं कि क्या आ रहा है हमें, ईयर वन रखेगा ना, कैलकुलेट कर लेते हैं इसको हम लोग ज़रा। बोल रहा है 19,700 रुपये मिलेगा, अच्छा वहाँ पे हमें 22,000 रुपये मिल रहे थे। अब इसके अंदर से हम लोग अपना पहले टैक्स निकालते हैं, 15% टैक्स फाइलर के ऊपर, मैं उसी को लेकर चल रहा हूँ। अगर आप नॉन फाइलर तो हम फाइलर करवा लेते तो बेहतर है, ठीक है। ये मैंने कर दिया और टोटल हमारी अमाउंट जो आई है 19,000 के ऊपर हमारा टैक्स लगेगा, जो हमारी एक्चुअल अमाउंट आएगी, ठीक है। यानी कि ये कह रहा है कि आपको 2,964 यानी कि आपके रुपीज़ जो है वो कटेंगे। तो आप इसमें से माइनस कर लो, तकरीबन आपको 16,700 रुपये मिलेंगे इसमें से टोटल प्रॉफिट। यानी कि मंथली आपको मिल रहा है तकरीबन 1,400 रुपये इसके ऊपर। अच्छा, इसी के अगर आप हम लोग कंपैरिजन में करें जो बैंक अल हबीब को और HBL का हम लोगों ने देखा था, तो हमें वहाँ पे तकरीबन 16,100 या 16,200 रुपये मिलते थे, यानी कि
100 रुपये का, 210 रुपये का फ़र्क आ रहा है तकरीबन मंथली के अंदर अगर हम लोग जाते हैं, ठीक है। अब वापस क्रिकेट पे आ जाते हैं हम लोग इसको चेक करने के लिए कि हमारे प्रॉफिट रेट्स क्या चल रहे हैं। तो सबसे अच्छा इस वक्त आपको अकाउंट यही मिलेगा कि मंथली सेवर के ऊपर आप जाओ या फिर लबैक सेविंग के ऊपर आप जाओ, ये दोनों आपके अच्छे अकाउंट्स हैं। इसके अलावा मैं किसी को भी आपको नहीं बोलूँगा, रिकमेंड नहीं करूँगा कि इसमें से किसी के ऊपर भी आप जाएँ, क्योंकि आपका इंटरेस्ट रेट या तो कम है उससे या वो सेम ही है, तो उसके ऊपर जाने की आपको ज़रूरत नहीं है। अच्छा, एक और चीज़ भी आपको देते हैं, वो ये आपका है कि बेसिकली डिसकंटिन्यू कर दिए हैं लोगों ने, इसका इसलिए फ़ायदा नहीं है। इसके अलावा बाकी सारी चीज़ों में आपको इस वक्त सबसे ज़्यादा अच्छा जो बैंक आपको दे रहे हैं इंटरेस्ट रेट, वो आपके मंथली सेवर के ऊपर या आपको सेविंग्स अकाउंट के ऊपर ही दे रहे हैं। तो अगर आप इन्वेस्ट करना चाह रहे हो इन मजान, तो सबसे बेहतर ये कि आप इसी के ऊपर जाओ। अच्छा यार, इसके अंदर तरीका क्या है भाई? ऑनलाइन आप इसके अंदर फॉर्म फिल कर दो कि आपको डायरेक्टली कॉन्टैक्ट कर लेंगे, और डॉक्यूमेंट्स जो आपको चाहिए होती हैं वो वही आपको मिलती हैं, कि यार एक जॉब सर्टिफिकेट आपको चाहिए होगा या जॉब लेटर वगैरह, जॉब कार्ड वगैरह जो भी आपके पास है। बाकी आप इसके अंदर इन्वेस्ट करोगे, घर का बिल चाहिए होगा, NIC चाहिए होगा, ये सारी होगी डॉक्यूमेंटेशन। इन्होंने यहाँ पे लिखा हुआ भी है कि भाई आपको क्या चाहिए, प्रूफ ऑफ इनकम ऑब्वियसली वही है, NIC चाहिए, और ये वो सारी चीज़ें मैंने आपको बताई हैं, वही सारी चीज़ें लोगों ने यहाँ पे लिखी हुई हैं। अकाउंट खुल जाता है आपका 2-3 दिन के अंदर, तो आप इसको भी टेस्ट कर सकते हैं। अगेन, इसके इंटरेस्ट रेट कम है बाकियों से कंपैरिजन के अंदर, तो ज़्यादा बेहतर आप ये है कि बाकियों के ऊपर आप जाएँ अगर आपको ज़्यादा लगता है। अगर हाँ, अगर आप इस्लामिक पर्सपेक्टिव से आना चाह रहे हैं, तो मिजान इज़ नॉट अ बैड ऑप्शन। ठीक है, ये थी इस वीडियो, बाकी भी मिलते हैं। थैंक यू।